हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि आज का कैसा ट्रेडिंग डे रहा हमारा और ओवरऑल हमने अभी फर्दर क्या करने वाला है। मॉर्निंग का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मैंने आज मार्केट को एक रेंज बाउंड होने के लिए बोला था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे डिमांड जोन था और ऊपर सप्लाई जोन है, उसी बीच में फंसा रहा। अगर आपने देखा होगा वीडियो को, नहीं देखा है तो एक बार जाइए, चेकआउट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम चैनल का फ्रेंड्स लिंक मिल जाता है, यहाँ मेरे जो भी व्यू रहते हैं वो मैं आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है या फिर हम किस तरह से फर्दर ट्रेडिंग करने के प्लान करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरह की वीडियोज़ के साथ में लिंक भी मिलता रहता है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब हम आ गए हैं चार्ट पे। अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो जो हमारा मॉर्निंग का एनालिसिस थी, इसने ये रेंज बनाया था। मैंने आपके लिए बोला था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन को पहले इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और 75,600 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर उसके नीचे मार्केट निकलता है तो हमें डाउन साइड में देखना है, अगर ऊपर निकलता है तो हम फर्दर इस रेंज में फंस जाएंगे। ओवरऑल जो इसकी रेंज रहने वाली है, ऊपर और नीचे दोनों की अगर हम बात करते हैं, अपसाइड और नीचे का मान लेते हैं, इसी रेंज में मार्केट रहने वाला था, क्योंकि नीचे डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, ऊपर सप्लाई जोन स्ट्रांग बना हुआ है और बहुत ट्रेंडिंग होने का मार्केट ही, मैंने ही मॉर्निंग में ही आपके लिए प्रेडिक्ट कर दिया। तो आज आपका रेंज देख रहे हैं, पूरे दिन मार्केट लगभग 800 लो लगाया इसने और 350 का हाई लगाया, मतलब 500 पॉइंट, 550 पॉइंट में घूमता रहा है। तो डेली मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है, ऐसे मार्केट के लिए हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हंटिंग होता है। उस केस में हमें क्या करना होता है, जस्ट वेट एंड वॉच करना होता है कि हमें कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर कुछ वहाँ पे प्राइस एक्शन बेस बनता है ट्रेडिंग तो हम देखेंगे, अदरवाइज अभी 74,800 का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर 75 के नीचे निकलता है फिर इसको 75,400 को, अगर 74,800 का लेवल अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, एक बार गया है लेकिन वहां से वो रिकवर कर गया और अपसाइड में अगर आप देखते हैं लगभग इसमें 400-500 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखा दिया। तो अभी इसमें ऐसा कुछ ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा है आज के लिए। ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है, पॉजिटिव साइड में हमें भी नहीं जाना है, सिंपल सा हमें रूल अप्लाई करना है कि हमें निगेटिव साइड का अगर कुछ बनता है तो हम देखेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच करिए और उसमें हमें नेक्स्ट जो भी हमने इस वीक में गेन किया है उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना तो स्टॉप लॉस के साथ करना, आज मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला नहीं है। अब इसके बाद में 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी मार्केट ने जो लास्ट के 4 आवर में देख रहे हैं एक डॉजी टाइप का कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली कैंडल और दूसरी कैंडल देखते हैं तो लो का फॉर्मेशन, इससे नीचे एक कैंडल का फॉर्मेशन, लेकिन इसके साथ ही जो भी करंट कैंडल बनी है इसके ऊपर और नीचे हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट दोनों को टच कर रही है, ऊपर ये क्रॉस नहीं कर पा रही है और नीचे ये निकल नहीं पा रही है। फर्दर अभी इसकी जब ये कैंडल के नीचे निकलेगी 800 के नीचे तो इसमें फर्दर 200 पॉइंट का मूव और दिखाई पड़ सकता है, डे का लो भी फॉर्मेशन कर सकता है। ऊपर की तरफ हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें देखेंगे तो हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है लगभग 75,400 पे इसका रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ इसका ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप अगर ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो वेल एंड गुड रहेगा, अदरवाइज बहुत ही स्ट्रांग स्टॉप लॉस के साथ करिए, क्योंकि तो अगर 2 कैंडल बनी थी इसका थर्ड कैंडल फॉलो हुआ था तो डिमांड जोन में आ जाता, डिमांड जोन में आता तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सेल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी मिलती। अब फर्दर यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट बनता हुआ है, 75,000 के नीचे निकल गया है। अब नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे फिलहाल अभी आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनती दिखेगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर आज की बाइंग डे या फिर सेलिंग डे नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन देख रहे हैं कैंडल का, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बहुत छोटी कैंडल बनी है, इसकी कंपेरिजन में जो प्रीवियस डेज की कैंडल्स हैं बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। तो मार्केट डेली ट्रेंडिंग नहीं होता लेकिन ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव ही बना हुआ है, ये आपको मान के ट्रेडिंग करना। तो फ्रेंड्स अभी हम सिंपल सा आज का रूल है कि आपको अपने अमाउंट को प्रोटेक्ट करना है, अगर ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको लॉस नहीं करना है। अगर आप एंट्री करना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ में करना, क्योंकि मार्केट दोनों साइड का मूव कर रहा है, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस आज हिट हो रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।